बस मोदी जी की लहर चल रही है यहाँ तो मैपुर तहसीलपुरा में। नहीं, प्रचार कर रहे हैं मोदी जी के नाम से कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, 370 धारा सुना में तो मोदी के जाहिर हो गए। हमको तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही लाएंगे हम तो। भले फिरोजिया जी के अपने को तो मोदी जी से काम है ना सर, फिरोजिया जी दूर की बात। मोदी जी क्यों, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। गरुड़ इंदौर डायरेक्ट हमको खड़ा गुजरा से उज्जैन जाने के लिए मात्र 15 मिनट का टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है भैया? हमारा तो मोदी जी को मन है, मोदी जी को। पहले हम थोड़ा भूल में थे, अब सतर्क हो गए हैं, अब बिल्कुल दुकानी होने देंगे। अब की बार चुनाव का क्या मूड है इधर? हम तो बीजेपी में, बीजेपी में। किसानों के बारे में जो सोचता है वही आना चाहिए, हम तो किसान है, किसान की बात करें। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज उज्जैन लोकसभा के महिदपुर विधानसभा के खेड़ा खजूरिया गांव में हूँ और ये अच्छा सा बाजार है यहाँ का, और यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनाव का मूड है वो क्या है। और राम राम बाबा, कैसे हैं आप? बढ़िया अमन। मैं पूछ रहा हूँ आज लोगों से कि अब की बार लोकसभा में कौन जीत रहा है, यहाँ से बीजेपी या कांग्रेस? या तो अभी जनता का आदमी अपराध में कहीं है बतलो। आप भी जनता में ही आते हैं? हम जनता में हम कहीं कहीं अब एक सौ कह सकता पड़ेगा। सुनने में क्या आ रहा है? सुनने में तो मोदी के जाहिर हो गए। और आपका मन क्या कहता है? हमारा मन वो जो कहीं हाँ कांग्रेस की बात नहीं बनेगी अब वो सब नसीब अपना। आपको क्या लगता है भैया? हमारा तो मोदी जी को मन है, मोदी जी को। ऐसा क्या है? हमारे पानी हानि की व्यवस्था कर देगा, सब कर देगा। काम वाम ठीक रहे हैं? ठीक रहे हैं, काम ठीक रहे। आपको क्या लगता है साहब? बस मोदी जी की लहर चल रही है यहाँ तो मैपुर तहसीलपुरा में। अच्छा, हाँ पीछे वो लहर कहाँ चली गई थी तब भी आप लोग कह रहे थे, मैंने यही पूछा था आप लोगों से। तो हमारा काम हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? वो तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ में। क्या गड़बड़ हो गई? अरे 150 वोट में क्या हार होती, कोई गलती से निशाना चूक गए हम लोग। अच्छा, हाँ धोखे में रह गए। धोखे में रह गए सर, पूरा धोखा हो गया हमारे साथ। अपने वालों ने हमारे साथ थोड़ा नुकसान कर दिया, हमें तो अपनों ने लूटा। गैरों में कहाँ दम था सर। सही बात है बिल्कुल साहब आपकी। अब की बार भी ऐसा कुछ हो जाए लोकसभा? इस बार तो नहीं होगा, डंके की चोट है सर। अच्छा, अब हम सतर्क हो गए। अच्छा, पहले हम थोड़े भूल में थे, अब सतर्क हो गए हैं, अब बिल्कुल दुकानी होने देंगे। हाँ, पूरी जनता साथ है। ये फिरोजिया जी ठीक हैं? एक नंबर सर। फिरोजिया जी के अपने को तो मोदी जी से काम है ना सर, फिरोजिया जी दूर की बात। मोदी जी को देख रहे हैं अपन सर लोग, हम तो। कैंडिडेट भी तो अच्छा होना चाहिए। कैंडिडेट एक नंबर है ना सर, हमारे वर्तमान में है ही सही। हाँ ये गिनवाते हैं, मैंने 20,000 करोड़ के काम करवा दिए, 30,000 करोड़ के दिखते हैं कहीं काम? काम दिख रहा नहीं क्या? हमारे यहाँ चल रहा है करोड़ों का तो, एक रोड ये चल रहा है, उधर चल रहा। हाँ पूरा हमारा एक नंबर काम हो रहा। कमल सजाए फिर रहे हैं? जी 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 भाई साहब, जी जी। कमल प्रचार पे निकले? प्रचार कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ क्या मिल रहा है प्रचार में? प्रचार में कुछ नहीं, प्रचार कर रहे हैं मोदी जी के नाम से कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, 370 धारा। काम वाम भी कुछ किए? काम बहुत हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। अभी ये गरोड़ रोड फिरोजिया जी के नेतृत्व में ही चल रहा है, और वो 6,000 करोड़ का डैम चितावत का मंजूर हो गया है। ये भी किसानों के लिए इतिहास रहेगा। हर गांव में पानी, हर घर पानी, खेत खेत पानी, घर घर पानी। हमारे विधायक जी ने भी बहुत काम करवाया। मैं वही कहने वाला था काम के नाम पे वोट दोगे? नहीं नहीं, काम पे हम तो मोदी जी को देखते हैं। तो ये डैम वैम जो है फुल काम हुआ है, काम तो इतना हुआ है। फिर भी हरा दिया उनको? वो थोड़ा चुप गए, गलती से हार गए सर, मगर वो जीते हुए। अब भी कोई दिक्कत नहीं उसे। अच्छा, हाँ चलती है उनकी? फुल चलती है, हम तो उनको वर्तमान विधायक ही मानते हैं। अच्छा जी, काम वाम के लिए फोन वोन कर देते हैं? हाँ सब बिल्कुल, काम पे हर आदमी का काम होता है। अच्छा, हाँ अगली बार बच जाएंगे फिर? नहीं नहीं, वो तो जीतेंगे, भयंकर जीतेंगे अगली बार। हाँ अगली बार चूक होगी? चूक हो गई। पछतावा है? बहुत पछतावा, पब्लिक में बहुत पछतावा है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं, आप क्या कहेंगे महाराज? हम नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। अच्छा, हाँ मोदी जी क्यों? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। गरुड़ इंदौर डायरेक्ट हमको खड़ा गुजरा से उज्जैन जाने के लिए मात्र 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब पहले 1 घंटा लगता था, अब टाइम भी कवर हो जाएगा हमारा। और अयोध्या का मंदिर
का भी अच्छा काम किया है, मोदी जी अच्छे काम करते हैं, हिंदू के भी अच्छे काम करें। क्या चिंता है बाबा, किस चिंता में खड़े हो? बैंक के लिए माल निकलवाना है। हाँ माल गेहूँ के। हाँ सिक्योरिटी वगैरह लेके चला करो साथ में। हाँ पैसे ज्यादा हो तो सिक्योरिटी लेके। अरे काहे के यहाँ क्या करे गांव वाले के इतने पैसे। थोड़े से तो इससे आएंगे। नहीं नहीं गेहूँ डाले उसके और क्या। फसलों के रेट ठीक मिले? हाँ एक नंबर। बढ़िया बढ़िया। सरकार ने खरीदी वगैरह करी कुछ? हाँ सरकार है तो करी, वो सरकारी तो है पैसे डाले। मोहन यादव के आने के बाद किसानों के लिए अब पहली फसल थी ये, इसमें कुछ ऐसा रहा कि मोहन यादव आए तो उससे कुछ अच्छा हुआ कुछ? क्या मोहन यादव आए तो वो समर्थन मूल्य तो जो है वो का वही है, वो डाले जब है वो 125 कह तो दिया है। कह दिया है विश्वास है, विश्वास है डाल देंगे, विश्वास है डालेंगे। अरे क्या मालूम नेताओं की बात, तो नेता जाने। हाँ आपकी बार चुनाव का क्या मूड है इधर? हम तो बीजेपी में रहे हैं। बीजेपी में आप विश्वास भी नहीं कर रहे और बीजेपी में भी जा रहे हैं ना? नहीं हम तो हमारे तो ये है ना बाप दादा कब गए, हम कांग्रेस में कभी नहीं गए, निर्दलीय में कभी नहीं गए, हमारा गांव भी नहीं गया। कौन सा गांव आप? जवसिया पंत। जवसिया पंत। अच्छा विधानसभा में क्या किया था? विधानसभा में बीजेपी बीजेपी थी तो अब दूसरी पार्टी विरोध खड़े हो गए तो हार गया तो क्या करे उसमें 100-200 वोट से। हाँ जी भैया क्या सो रहा है? बस यार हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा किया तुमने। सब प्यारा ही है। पूछ रहे हैं चुनाव में अब की बार क्या लग रहा है? हमको तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस को ही लाएंगे हम तो भले। कांग्रेस को लाने के कारण क्या? अरे महंगाई बड़ी कितनी हो गई यार भाई साहब। आप भी देख रहे हो। कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी है। बिल्कुल है ऐसे ही। आनी चाहिए। किसानों के बारे में जो सोचता है वही आना चाहिए। हम तो किसान है, किसान की बात करें तो लगता है आ जाएंगे। लगता है क्यों नहीं लगता है? ईवीएम पे अगर चुनाव हुआ तो शंका है, नहीं तो 100% कांग्रेस ही आ रही है। महेश परमार जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत रहे बाबा। ये लड़के कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। कौन? ये लड़के कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। जीते वो कांग्रेस वाले होंगे तो कांग्रेस में। कांग्रेस तो आए भी नहीं। बिल्कुल नहीं आए कांग्रेस। नहीं आएगा पूरे मध्य प्रदेश का लेन चलो आप, पूरा मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। नहीं आएगा बीजेपी आएगा। तो ये खेड़ा खजूरिया का जो बस स्टैंड है यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। ज़्यादातर जो लोगों की बात है वो साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी जीत रही है। खैर आप लोगों को क्या लगता है इस बार चुनाव में जीत कौन रहा है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से अरविंद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।